गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। दो गुटों में चले लात घुसे, वीडियो वायरल। शिव मंदिर बैजनाथ की लाइटें बंद, युवाओं ने की नारेबाजी। ऐसे कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय। जोगिंदरनगर में 8 ग्राम चिट्टे संग युवक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। दो गुटों में चले लात घूसों का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो सोलन के पीजी कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें दो गुट एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। यह घटना काफी देर तक कॉलेज में चलती रही, जिसके बारे में कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तो सभी युवा मौके से फरार हो गए थे। सूत्रों की माने तो इस मारपीट के दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ की बंद पड़ी लाइटों को लेकर बैजनाथ का युवा वर्ग आक्रोशित हो गया है। युवाओं ने मंदिर के बाहर शिव मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। मैं मंदिर कमेटी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इन बड़ी बड़ी लाइटों को ठीक किया जाए, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हो चार ओर की अंधेरा ही अंधेरा है। मात्र दो दिन लाइटें आग लग चुकी है, वो भी पता नहीं किस दीवार में लगाई गई है, पर उस तरफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरे अंधेरा है और बुरी हालत है। पर मैं मंदिर कमेटी के लिए यही बात बोलना चाहता हूँ, मंदिर कमेटी मुर्दाबाद, 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 क्योंकि ये लाइटें नहीं जगेंगी तब तक हम चुप होने वाले नहीं है। ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन लाइट्स को चालू करने पर एक कौड़ी तक नहीं खर्ची जा रही है। लोग अंधेरे में शिव मंदिर में दर्शन करने पर मजबूर हैं। यही नहीं, बाहरी राज्यों से आने वाले शिव भक्त इस विश्वविख्यात मंदिर के बारे में क्या सोचकर आएंगे। बंद पड़ी लाइटों के विरोध में सचिन अवस्थी के नेतृत्व में गणेश युवा मंडल ने मंदिर कमेटी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट को चेतावनी दी है कि अगर जल्द मंदिर के बाहर लगी सभी लाइटों को चालू न करवाया गया तो आंदोलन की राह अपनाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। आप किसी भी टूरिस्ट को जाके पूछ सकते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है अंधेरा। दो हफ्ते बाद शिवरात्रि है और मजाक बना के रखा हुआ है मंदिर के बेटी ने। दोहरे धुआं बोला दो लाइना बराबर अपने साथ हमारे बड़े भाई जो भी बात करें हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मंदिर में इस टाइम हमें रोशनी चाहिए या बैजनाथ के पूरे जो भी हमारे ये युवा वर्ग इकट्ठा हुआ है वो एक किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं। हमारा एक मेन मुद्दा यह है कि लाइटों का जो है बैजनाथ में एक शिव मंदिर को प्रावधान चाहिए, जो कि शिवरात्रि जो अभी आपके सामने अभी दो हफ्ते के बाद शिवरात्रि का इतना बड़ा त्यौहार होता है शिवरात्रि का, जो कि लाइटिंग से हमारा मंदिर इतना हम लोग इतना ये हो जाते थे कि आकर्षक की लाइट ही लाइट दिखती थी। आज के टाइम में आप में देखें तो बड़ी बड़ी लाइट एक छोटे छोटे बल्ब जो है वो। ग्राम पंचायत रजोट की उठाऊ सिंचाई योजना सफेद हाथी बनी हुई है, लेकिन विभाग व प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पानी न मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी मंत्री विधायक तो कभी विभाग से किसानों ने गुहार लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। यूं सरकारें खेती बाड़ी को बढ़ावा देने की बात कहकर किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। योजना से रजोट, टिकरी, रक्कड़, सुगूर सहित चंगरधार के लोगों की हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। लोगों ने मांग उठाई है कि या तो इसे दुरुस्त किया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। अच्छा सर, आपकी ये सिंचाई योजना है, इसके क्या प्रयास करेंगे? काफ़ी समय से बंद पड़ी है ये। तो साहब बात ऐसी है कि 1992 में इसका उद्घाटन हुआ था, उसके बाद शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद 92 के बाद 15 तक लगभग ही लिफ्ट इरीगेशन चलती रही थी। बहुत अच्छा स्कीम थी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, लेकिन 16 के बाद ये टोटली बंद पड़ी है। लोग परेशान हो रहे हैं। आपके माध्यम से कई बार ये प्रश्न उठाया गया, सरकार को भी आगाह किया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज अगर बारिश होती तो फसल का नज़ारा ही कुछ और होता, गेहूं की फसल का, लेकिन सिंचाई की कमी के कारण सारे लोग परेशान हैं। किसान बंधु बिल्कुल आसमान की तरफ देख रहे हैं और ये सोचते हैं कब वर्षा हो। तो इतना लाखों रुपया खर्च करके फिर अगर किसानों को या हम सब लोगों को इसका फ़ायदा ना मिले तो ये तो हमारी बड़ी नाइलत है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार इसके लिए उचित कदम उठाए। पहले ये कहा गया था कि इसकी चोरी हो गई,
चोरी हो गई उसके बाद सरकार तो देख सकती है, सरकार के पास कई साधन उपलब्ध हैं, कई तरीके हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बार बार कहने के बावजूद, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद किसान लोग मेरे पास आ रहे हैं। अब क्योंकि मैं भी एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बना हूं और लोग मेरे पास आते हैं कि आप पंडित जी ऐसे करिए, इसके बारे में कोई कदम उठाइए, सरकार को आगाह कीजिए। अब मैं तो आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि कृपया जितना जल्दी हो सके इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का उचित प्रबंध किया जाए, लोगों को सिंचाई की सुविधा हो, ताकि ये जो फसल बर्बाद हो रही है इसका उचित लाभ उठाया जा सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि बड़ी नज़रअंदाजी हो रही है और ये बड़ी शर्म की बात है हम सब के लिए कि इतने पैसे खर्च कर, लाखों रुपया खर्च करके फिर ये इरिगेशन जो एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद हाथी बन गया है, बिल्डिंग खड़ी है, पानी दरिया में काफ़ी है, लेकिन उस पानी को लिफ्ट करने की जो स्कीम बनाई गई है वो बिल्कुल निराधार हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार जितना जल्दी हो सके इसका प्रबंध करे, नहीं तो किसान लोग जो है वो उग्र होकर के कहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य न हो जाए। आपकी प्रधान ग्राम पंचायत रियोठा सर्वप्रथम दिव्य हिमाचल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिजोर्ट में उठाऊ जल सिंचाई परियोजना काफ़ी समय से ठप पड़ी हुई है। इस विषय को मैंने अपने माननीय विधायक श्री मुल्कराज प्रेमी जी के सामने रखा और उन्होंने कहा कि इस परियोजना के ऊपर कार्य चल रहा है, जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं भी पूरा प्रयास करूँगी कि ये परियोजना जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जोगिंदरनगर पुलिस ने नाके के दौरान 8 ग्राम चिट्टे व इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना में कार्यरत एएसआई अर्जुन सिंह राणा ने बताया कि डीएसपी लोकेंद्र नेगी के आदेशानुसार बनी एक टीम जिसका नेतृत्व हेड कांस्टेबल अजय बरवाल द्वारा किया जा रहा था, तो गलू के पास लगाए गए नाके में गाड़ी की चेकिंग के दौरान चिट्टा बरामद हुआ। आरोप में 40 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। हमारी एक टीम गठित की हुई है अपने डीएसपी साहब ने, तो उसी टीम जो है उसका नेतृत्व अजय, हेड कांस्टेबल अजय कर रहे थे। तो इन्होंने गलू फैक्ट्री के पास नाका लगाया हुआ था, तो एक गाड़ी जो है वो आई और इन्होंने रोकी। गाड़ी में चेक किया तो उसमें 8 ग्राम चिट्टा, जिसे हीरोइन भी बोलते हैं और अपनी भाषा में चिट्टा बोल रहे हैं आजकल, तो उसको उसके पास बरामद हुआ और उसके पास एक मतलब एक नापने का इलेक्ट्रॉनिक तराजू वो मिला। तो उससे जो पूछा ये क्या है, तो सही जवाब नहीं पाए और उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको आज अदालत में पेश किया जाएगा।